भक्तगण कृपया ध्यान दें, कैलाश पर्वत से रायगढ़ चलने वाली मूसक एक्सप्रेस रायगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। तो मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो गणेश जी रायगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न रूपों में आ गए हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं नटोर स्कूल के पास, जहाँ पे बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियां हैं, जहाँ पे उन्हें देखकर आनंद लेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर दिया यार। गणेश जी की मूर्तियां कोलकाता, महाराष्ट्र, विभिन्न क्षेत्रों से एवं रायगढ़ से भी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही मनमोहक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गणेश जी का हेयर स्टाइल, नया नया हेयर स्टाइल है। यहाँ कहीं पगड़ी में है, कहीं पर है उनकी मोतियों की माला। जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्यारी प्यारी सी मूर्तियां जिन्हें देखकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं। अगर आप भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं तो बताइए आपको गणेश जी का कौन सा स्वरूप बहुत प्यारा लगा, क्योंकि गणेश जी तो विभिन्न रूपों में आ गए हैं और हमारे दिलों पे छा गए हैं। तो रायगढ़ की इन सभी मूर्तियों को देखकर आप भी जाकर नटोर स्कूल में आनंद ले सकते हैं। मूर्तियां लेनी नहीं लेनी, गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाना नहीं मनाना, लेकिन वहां जाकर देखने से एक अलग ही आनंद मिलता है। मैं आपको पक्का विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप वहां पर गए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति आप जरूर लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें लाने से, घर में विराजमान करने से सभी प्रकार के दुख कष्ट का निवारण हो जाता है, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है। इनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, जिनके आने से घर में भरपूर आनंद का प्रभाव होता है। इनके पुत्र हैं शुभ लाभ, इनके आने से हर प्रकार की कष्ट विघ्न बाधा बिना कुछ कहे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, आपको कितने सालों से आप गणेश पूजा मना रहे हैं, और जिनका फर्स्ट टाइम है वो भी बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। गणेश जी को कौन कौन मानता है, कौन कौन जानता है, इनकी कहानी के बारे में कौन जानता है, कमेंट करके बताइए। आपको इस त्यौहार का कितना बेसब्री से इंतजार था, मुझे तो बहुत था, क्योंकि हम हर साल मनाते हैं इस त्यौहार को, और हम भी आ गए यहाँ पर गणेश जी की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति की तलाश में। इसका बहुत ही अच्छा टेक्निक है गणेश जी को अपने घर ले जाने का। आप सभी मूर्तियों को ध्यान से देखिए, आपको एक मूर्ति ऐसा लगेगा जो आपको अपने पास बुला रही होगी, तो उसी मूर्ति को अपने घर में ले जाइए। छोटा हो या बड़ा हो, सभी मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी होती है। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि मैया और मूसक जी को भी ले जाना ना भूलें, क्योंकि जाना है तो सबको साथ में लेके जाइए और संपूर्ण परिवार का साथ पूजा कीजिए, जिससे आपके सभी कष्ट का निवारण तुरंत ही हो जाता है। बहुत लोग का मानना है कि गणेश जी का सूंड जब राइट साइड में रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं। तो गणेश जी का मूर्ति है बहुत प्यारा प्यारा बना गया है, जुर्नी के लेफ्ट राइट वाला ही कुछ हो, लेकिन आप लोग अगर मानते हैं तो उसको मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि गणेश जी ऐसे स्वयं ही विघ्न विनाशक है, तो उनकी मूर्तियों में ऐसा कोई भी त्रुटि होता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ थोड़ा सा चोट लग गया या खंडित मूर्ति तो अलग बात है, लेफ्ट राइट वाला में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते तो कमेंट को जरूर बताइएगा। आप किस गांव से देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर बताइएगा, आपके गांव में किस प्रकार से मनाया जाता है इस प्रकार के पर्व को, तो जरूर से या खुद शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप गणेश चतुर्थी का त्यौहार नहीं मनाते हैं, अगर मनाना चाहते हैं तो आज ही जाइए रायगढ़ और मूर्ति लेके आइए और पूजा करके देखिए। एक दो दिन, तीन दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, आपको अगर सुविधा होती है, अगर सुविधा होती है तो ज़्यादा दिन रख सकते हैं आप। एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे लिए नहीं तो अपने घर वालों के खुशी के लिए एक बार ज़रूर एक बार गणेश जी को बप्पा को अपने घर लेके आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुछ दिनों में आप इन्हें फैमिली का मेम्बर मानने लगेंगे, क्योंकि उनका स्वरूप इतना निराला है कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश जी के 108 नाम हैं। उन नामों में से एक दंत, गणराज, विघ्नराज, विघ्न विनाशक, जम्बोदर, एक दंत, मोदक प्रिय, इतने बहुत सारे नाम हैं। अगर आपको और बहुत सारे नाम पता है तो कमेंट करके बताइए, और आपको कौन कौन से नाम पता है गणेश जी के और मूसक जी के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर पहुँचाइए और हैप्पी बर्थडे माय डियर गणेशा। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी मिला हो तो ज़रूर शेयर करें और गणेश जी की पूजा पाठ करें और आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।